परिवार के साथ दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मौजूद हूँ। हमारे स्कूल की स्थापना सन 2000 में हुई थी। यह CBSE अपग्रेडेड स्कूल है। यहाँ पर क्लास 1 टू क्लास 11 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। हमारे स्कूल के शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अन्य सर्वांगीण विकास पर ध्यान दी जाती है। यहाँ पर बच्चों के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे स्कूल के बच्चे खेल कूद में भी राज्य का नाम रोशन कर चुके हैं। चलिए अब मैं आपको अपने विद्यालय से परिचित करवाता हूँ। अभी हम अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब के सामने खड़े हैं। इसके बारे में आपको हमारे मित्र पिचका बताएंगे। धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे स्कूल में डिफरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो आइए हम देखते हैं कैसे केमिस्ट्री लैब के माध्यम से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी अपने केमिस्ट्री लैब में हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए हैं, तो आइए हम इनसे पूछते हैं कैसे इसके माध्यम से ये अपनी शिक्षा को और विकसित कर रहे हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कैसे इसके थ्रू वो सीख पा रहे हैं। Actually, these experiments help us in learning these facts more rigorously. हम लोग इसे बुक्स में पढ़ते हैं, हम लोग इसे क्लासरूम्स में नोट करते हैं, बट जब हम इसे प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे माइंड में एक इमेज फॉर्म कर जाता है और ये हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ये सारे थेसिस, सारे थ्योरी हमारे लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। सो इट्स क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। क्या आप बताना चाहेंगे? बेसिकली हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकली होता है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ कर लेते हैं तो हम लोग और बेनिफिट होता है। जैसे कि किसी आदमी को थ्योरेटिकली अगर बताया जाए तैरना है तो वो इतना चीज़ नहीं कर सकता है, उसको तैरा दिया जाए बोलता है थ्योरेटिकली लिखो तो वो और अच्छे से लिख सकता है। सो इट्स क्वाइट वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। अब हम लोग हमारे केमिस्ट्री टीचर के पास चलते हैं। हम लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर वो किस तरह से बच्चों को हेल्प कर रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने में। जो प्रयोगशाला होती है और प्रयोगशाला में जो प्रयोग कराए जाते हैं वो बच्चों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं, वो पूरी जिंदगी उनके साथ रहती है। तो ये जो शिक्षण कार्य होता है सैद्धांतिक रूप से क्लास में, उसका एक्सपेरिमेंट यदि करा दिया जाए बच्चों को तो हमेशा उसे याद रहते हैं और उसके आधार पर आगे परिकल्पना कर सकते हैं जो साइंस को कैसे आगे ले जाए। आइए अब मैं आपको हमारे स्मार्ट क्लास में लेकर चलती हूँ। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स एंड हाउ दे आर रीडिंग विद स्मार्ट क्लास एंड हाउ दे फील दैट दे आर ब्लेस्ड विद स्मार्ट क्लास एंड रीडिंग विद दिस स्कूल। हाउ यू फील दैट स्मार्ट क्लास? एक्चुअली स्मार्ट क्लास प्रोवाइड्स अस ए ऑडियो एंड वीडियो फैसिलिटी। वी हैव हर्ड फ्रॉम जूनियर क्लासेस दैट if we listen the thing which is being taught to us, that will be more beneficial to us. So in a smart class we have both facilities of audio as well as video. ab main kisi aur chhatra se puchna chahungi ki wo kaisa mehsoos karte hain, kaise smart class unhe padhne mein help karta hai? I am feeling immense pleasure to be in smart class, which facts I am not understanding in classroom taught by teachers, I can understand easily in a smart class. वो कैसा हमें लगता है कि स्मार्ट क्लास ज़्यादा बढ़िया है या फिर नॉर्मल क्लासेस में, दोनों में क्या अंतर है और उन्हें पढ़ाते हुए कैसा महसूस हो रहा है? हमारे बच्चों को ये स्मार्ट क्लास किस तरीका से फ़ायदा पहुंचाता है और हम शिक्षक को कैसे ये मदद करता है उन्हें बच्चों को समझाने में। एज ए टीचर जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय भरसक प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक बच्चे समझ जाएं, लेकिन चूंकि उनकी रिसेप्टिंग कैपेसिटी डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होने के कारण कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। हमारे अथक प्रयास के बाद भी जब वो नहीं समझ पाते हैं और फिर उनको जब स्मार्ट क्लास में टॉपिक बताने के बाद लाया जाता है तो उनको समझने में आंख और कान दोनों ज्ञान इंद्रियां एक साथ जब उन पर में कार्यरत होता है तो समझने में उनको मदद पहुंचाता है और अधिक से अधिक चीज को वो समझ पाते हैं। को स्कॉलरशिप एरियाज का एक पार्ट डिबेट होता है और इस क्लास में अभी उन्हें डिबेट के बारे में बताया जा रहा है।
चलिए उनसे जानते हैं कि वो इस कक्षा में क्या सब सीख पा रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगे, आप क्या सीख रहे हैं अभी? अभी हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीख रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग क्या होते हैं, उनके दो रूप क्या होते हैं, जिससे हम ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग कर सकें और अच्छे नेता या किसी चीज के लीडर बन सकें। तो आप इन सभी चीजों से कैसे बेनिफिटेड हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये सब चीज हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। कभी हमें किसी चीज मौका मिला किसी चीज को अभ्यक्त करने का, उसमें इस पब्लिक स्पीकिंग काम आएगा। या कभी हम आगे जाके किसी फील्ड में नेता बने तो उसमें काम आ सकता है। किसी भी चीज में लीडर बनने का मौका मिले तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत काम आएगा। क्लास के टीचर से जानते हैं कि वो इस बारे में विषय में क्या कहना चाहेंगे। सर, ये डिबेट बच्चों को कैसे मदद पहुंचा रहा है? देखिए, हमारे स्कूल के जो फिलॉसफी है और जिस आधार पे स्कूल की शुरुआत हुई थी वो है, इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स डार्कनेस। यानी कि एक दिया जलाना ज्यादा आवश्यक है कि अंधेरे को कोसने से। हमने देखा है कि इस क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, इस जिले से नहीं मेरा तात्पर्य पूरे मिथिला क्षेत्र से है, उनमें जो अकादमिक जो मेरिट है उसमें कहीं भी उनमें कमी नहीं होती। ये जो भी पूरे देश के जो बेस्ट एग्जामिनेशन से उनका रिजल्ट बताता है, लेकिन जो अपने आप को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है या जिसको आप कहते हैं एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, वहां पर यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से मार खा जाते हैं। आइए अब मैं आप सबको अपने डायरेक्टर सर से मिलवाती हूँ, जो स्कूल के संस्थापक हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे। आपने स्कूल को सेटल किया है, आप कई सारे लाइंस में रह चुके हैं, एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, WIT के आप डायरेक्टर बन चुके हैं। सो आपके अंदर ये थॉट क्या है, कहाँ से आया दैट यू शुड स्टार्ट अ स्कूल? Basically, I thought that when my son was very of 4 or 5 years age, I thought that I should provide him a good or quality education. And then I established this school. I founded this school. The last 20 years, I, with my team of dedicated teachers, have been striving for that. And now we have nearly 2,000 students, and we are happy that in Bihar we are recognized as one of the best schools.